अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली आई होप सब ठीक ठाक होंगे अलहमदिल्ला के फजल करम के साथ मैं भी ठीक हूँ तो जनाब आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं ग्रोसरी स्टोर से आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप यूके में रहकर किस तरह से मनी सेव कर सकते हैं तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है वीडियो को फुल वॉच करना है बिना स्किप किए और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें मेरे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि अभी न्यू न्यू यूके आए हैं और या अगर अभी बहुत सारे लोग जो यूके आना चाह रहे हैं लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि यूके में आकर उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना तो आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो उन लोगों के लिए है तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है सबसे पहले जैसे कि अभी मैं यहाँ पर सेंसबरी स्टोर में आई हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ों पर नेक्टर पॉइंट लगे हुए हैं और इसका मतलब है कि ये अगर आपके पास नेक्टर कार्ड है तो ये चीज़ आपको इतनी प्राइस की मिलेगी नॉर्मल प्राइस उसकी आप देख सकते हैं जैसे इसकी है ये दाल की है दो पौंड और ये ऑफ वन एटी पॉइंट की मिल रही है यानी कि आपकी ट्वेंटी पेंस सेव हो रही हैं नेक्टर पॉइंट के साथ और इसी तरह ये ऑयल की बोतल आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नॉर्मल प्राइस है इसकी नाइन फिफ्टी और जी ऑफ पर यह मिल रही है आपको सिक्स फिफ्टी की मतलब कि नेक्टर पॉइंट के साथ आपको ये सिक्स फिफ्टी की मिली है कि अगर आपके पास नेक्टर कार्ड है तो आपको ये ऑयल की बोतल सिक्स फिफ्टी की मिलेगी अगर आपके पास नेक्टर कार्ड नहीं है तो आपको नाइन फिफ्टी की मिलेगी तो अगर आपके पास नेक्टर कार्ड होगा तो इसका मतलब कि आप तीन पाउंड जो हैं ऑयल की बोतल से सेव कर सकते हैं इसी तरह बाकी चीज़ों पर भी नेक्टर पॉइंट्स लगे होते हैं आप उनके ज़रिए आप पॉइंट्स सेव कर सकते हैं पैसे सेव कर सकते हैं तो अब बात आ जाती है कि आप लोग पूछेंगे कि नेक्टर कार्ड आप कहाँ से लें तो नेक्टर कार्ड आप यहाँ सेंसबरी बरी के जो टिल पॉइंट है यहाँ पर अभी हम आ, पे करेंगे अपना बिल वगैरह तो आप यहाँ पर जो भी स्टाफ होता है आप उनसे भी कह सकते हैं कि भाई मुझे नेक्टर कार्ड चाहिए मेरे पास नेक्टर कार्ड नहीं है ये भी आप लोगों को नेक्टर कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं और आप ऑनलाइन जाकर भी नेक्टर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप नेक्टर कार्ड डॉट कॉम लिखेंगे तो वहाँ पर सारा प्रोसेस होगा आप वहाँ से अपना नेक्टर कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह आप जो यूके के स्टोर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट डेस्को हो गया अजडा हो गया लिडल हो गया अल्डी हो गया तो इन सब के पास भी रिवार्ड्स कार्ड होते हैं रिवार्ड्स कार्ड्स या नेक्टर कार्ड क्या होता है कि सेंस बरी का तो होता है नेक्टर कार्ड और जो टेस्को का है वो है जी क्लब कार्ड तो इन पर भी आपको पॉइंट्स सेव होते रहते हैं एक एक या दो दो पॉइंट्स ये आपको देते रहते हैं और जब आपकी मनी तकरीबन थर्टी पॉइंट या ट्वेंटी पॉइंट से ऊपर हो जाती है तो आप ये पैसे यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी आप यूज़ करना चाहें आप इन्हीं पैसों के ज़रिए आप अपनी ग्रोसरी भी कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि हम जी भाई अपने नेक्टर कार्ड से अपना बिल करना चाहते हैं पे तो आप इनके ज़रिए भी अपना बिल पे कर सकते हैं तो ये आप लोग ऑनलाइन जाकर अपने लिए नेक्टर कार्ड या टेस्को क्लब कार्ड इनके ज़रिए आप अपने रिवार्ड्स हासिल कर सकते हैं पॉइंट पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको पॉइंट्स को यूज़ भी कर सकते हैं तो सेकेंड टिप ये है कि जी आप आ, कभी कभी हमारा दिल करता है जी हमने खाना आज घर पर नहीं बनाना तो खाना पीना तो हम छोड़ नहीं सकते चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए खाना पीना तो हायर करना ही होता है तो कभी हमारा दिल करता है कि भाई हम घर पर खाना नहीं बनाएं कोशिश तो हमेशा यही करनी चाहिए ज़्यादातर कि घर पर ही खाना बनाएं और इससे पैसे सेव करें लेकिन अगर कभी कभार हमार हमारा दिल कट जाता है कि जी हम बाहर से खाना खाएँ तो उसके लिए आप टेस्ट कार्ड यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको बाय वन और गेट वन फ्री हो जाता है या टाइम इन पर डील लगी होती है कि फिफ्टी फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट ऑफ लगा होता है इस पर तो आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं और जो सेकंड है वो है जी डिलीवरो ये भी ऐप ऑनलाइन होती है और आप इसके ज़रिए भी बाई वन गेट वन फूड वह, वहाँ से भी ले सकते हैं आपका दिल करे तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं इनके भी कभी फिफ्टी परसेंट ऑफ लगा होता है और कभी जी बाय वन और गेट वन की जो ऑफ़र लगी होती है डिस्काउंट लगा होता है तो आप वहाँ से भी अपने लिए जो भी आप मज़ेदार सा खाना खाना चाहते हैं ऑर्डर कर सकते हैं और आप बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर जी हमारे पास आ जाता है जी ऑनलाइन शॉपिंग आजकल हर बंदा ही ना ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा होता है सबको ही ऑनलाइन शॉपिंग पसंद होती है मुझे है इतनी नहीं पसंद ऑनलाइन शॉपिंग करना लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करने का आपको ये होता है कि आपको डिस्काउंट का डिस्काउंट कोड भी मिल जाते हैं टाइम्स सो so, आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करें जैसे कि स्पोर्ट्स डायरेक्ट हो गया जेडीज़ हो गया आप वहाँ पर जाएँ तो आप डिस्काउंट कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो अगर आपको समाइम वहाँ पर डिस्काउंट कोड मिल जाता है प्रोमो कोड भी कहते हैं उसे वो भी मिल जाता है और अगर आपको वो कोड मिल जाए तो उससे भी आपकी थोड़ी बहुत सेव हो जाती है यूके में यहाँ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट होता है तो आप स्टूडेंट डिस्काउंट भी कोड भी यूज़ कर सकते हैं ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है जो है ना मनी सेव हो सकती है तो जब भी आप ऑनलाइन शॉप शॉपिंग करें तो डिस्काउंट कोड ज़रूर यूज़ किया करें और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना स्टूडेंट डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं इससे भी आपकी बड़ी बचत हो जाती है और एक और मैं टिप यहाँ पर दूंगी क्योंकि जो अभी नए नए यूके में आते हैं वो आते साथ ही यूके में अपना नया घर नहीं ले सकते ऑब्वियसली उनको रेंट पर रहना होता है तो हो सकता है कि जो कुछ लोग आते हैं वो वर्क वीज़ा पर आते हैं तो हो सकता है उनकी कंपनी उनको पर प्रोवाइड कर रही होगी और कुछ आते हैं तो उनको ख़ुद अपनी रिहाइश का बर करना पड़ता है तो तो आप कोशिश करें कि जो टेरेस हाउसेस होते हैं आप वो रेंट पर लें क्योंकि उनकी जो रेंट प्राइस होती है वो थोड़ी कम होती है जो डिटैच हाउस होते हैं उनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है तो इसलिए कि कोशिश करें कि आप वो हाउस पर बाई करें जो रेंट में आपके लिए थोड़े कम हो अगर आप शहर के किसी पोश एरिया में रहना चाहते हैं या किसी अच्छे एरिया में रहना चाहते हैं तो आपके जो घर के रेंट हैं वो ज़्यादा होंगे एक्सपेंसिव होंगे एज़ कम्पेयर टू दो एरिया जो थोड़े शहर से फार अवे होते हैं उनके घरों की जो रेंट की प्राइस होती है वो थोड़ी कम होती है नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो ये है कि जी जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होती हैं यूके में यहाँ पर लोग ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं मैंने देखा है कि जो ऑनलाइन हो गया है डिजनी की हो गई है और नेटफ्लिक्स की हो गई है अमेजन हो गया और भी दिग्गर बहुत सारी होती है ये ऑनलाइन वेबसाइट इनको लोगों ने सब्सक्राइब किया होता है और इनका मंथली भी पे कर रहे होते हैं और भी बहुत सारी होती हैं जिनके मुझे तो नाम भी नहीं पता तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ये चेक करना है कि आप लोगों इनमें से क्या क्या चीज़ जो आप यूज़ करते हैं वो आप रखें और बाकी सबको आप कट डाउन कर दें अभी जो नेक्स्ट में टिप कह लें या ट्रिक कह लें आपको बताने जा रही हूँ आप उसके बारे में सुनकर यकीन बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं हाँ जी मैं आपको बताने जा रही हूँ सेल्स के बारे में यू में सेल्स बहुत ज़्यादा लगती हैं जो यू में रहने वाले हैं उनको तो पता ही होगा क्योंकि यहाँ पर सेल्स बहुत ज़्यादा लगती हैं ब्लैक फ्राइडे हो गया उस पर सेल लगती है बॉक्सिंग डेज़ की सेल लगती है क्रिसमस डेज़ पर सेल लगती है न्यू ईयर्स की सेल लगती है और जी पे ईस्टर की सेल लगती है समर्स की सेल लगती है बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेल्स होती हैं तो सेल्स में आप क्या कर सकते हैं कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें सेल्स में से बाय कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप बाय कर सकते हैं आप विंटर क्लॉथ्स आप सेल्स में बाय कर सकते हैं बूट्स बाय कर सकते हैं बच्चों के जैसे हो गए कोट वगैरह हो गए जो आप अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे पे, पे, पे आप कह सकते हैं कि फ़िफ्टी परसेंट चीज़ों पर ऑफ लगा होता है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स पर फिफ्टी परसेंट ऑफ लगा होता है आप फिफ्टी परसेंट पर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बाय कर सकते हैं कुकवेयर बाय कर सकते हैं इन पर फिफ्टी परसेंट ऑफ लगा होता है और स्पेशली जो क्रिसमस डेज हो गए या आगे बॉक्सिंग डेज हो गए आप इन में बाई कर सकते हैं विंटर क्लोथस अपने लिए अपने बच्चों के लिए क्योंकि सर्दियां होते हैं यहाँ पर रेनी वेदर होता है तो आप बच्चों के लिए कोट्स बूट्स जम्पर्स स्वेटर्स हर चीज़ आप विंटर में ईयरली बाय कर सकते हैं पूरे साल के लिए एक बार बाय करके के रख लें तो वो पूरा साल आपका आसानी से गुजर जाएगा और नेक्स्ट जो टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है जी इलेक्ट्रिसिटी आप जो जो कि यूके में सर्दियाँ आ चुकी हैं तो हर कोई ना अब हीटिंग ऑन करेगा क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं कि अगर आप हीटिंग ना ऑन करेंगे तो इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता तो इसके अलावा हमें जब कपड़े वगैरह ऑन करने होते हैं या वाशिंग मशीन ऑन करनी होती है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये नाइट टाइम काम करें क्योंकि टेन पी एम से मॉर्निंग एट एम तक बिजली का जो है लोग कम इस्तेमाल करते हैं तो इसका बिल कम आता है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम डे टाइम भी लोग इस चीज़ का इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से बिल बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि विंटर में स्पेशली मैं खुद भी ऐसा ही करती हूँ कि नाइट टाइम कपड़े आयन करूँ और नाइट टाइम ही अपनी वाशिंग मशीन ऑन करो तो आप लोग भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल कम आए लास्ट में मैं ये टिप बताऊंगी कि जो हम ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं इंटरनेट यूज़ करते हैं आप वो वाला यूज़ करें जिसकी लेस प्राइस हो इन सब को बाय करने से पहले आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप ऑनलाइन जाएँ आप वहाँ पर चेक करें आप वहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट होती हैं मनी सुपर हो गया कंपेयर द मार्केट आप यहाँ पर जाकर अपनी जो इनकी प्राइसेस होती हैं आप कंपेयर कर सकते हैं और जो भी आपको अच्छा लगे आपको अच्छी आपको अच्छी सर्विसेज दें आप उसी से ये सर्विसेज ले सकते हैं और क्योंकि यहाँ पर यूके में तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और आ, आप प्राइस अगर कंपेयर करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे अगर आ, प्राइस कंपेयर नहीं करेंगे डिफरेंट कंपनीज के साथ तो आप हो सकता है कि बहुत सारी अच्छी ऑफर्स आप लोग मिस कर दें अच्छा यहाँ पर एक और मैं बात करना चाहूँगी हो सकता है कि आप लोगों की ये मेरी बात बहुत अजीब लगे लेकिन मैं ये फिर भी आप लोगों से ये बात करना चाहूँगी टेक लेस टाइम इन शावर अगर आप लोग क्योंकि सर्दियाँ सर्दियों में आप लोग गर्म पानी ही ऑबियसली यूज़ करेंगे शावर लेने के लिए तो आप क्योंकि अगर घर में पाँच बंदे हैं और पाँच बंदे एवरीडे शावर ले रहे हैं तो आधे आधे घंटे का भी अगर आप शावर ले रहे हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लग लगा सकते हैं कि कितना टाइम आप शावर में लगा रहे हैं और इसका आपकी बिजली के बिल पर कितना असर पड़ेगा तो आप लोग खुद समझदार हैं और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो अगर टीथ ब्रश कर रहे हैं तो तब भी पानी खुला हुआ है और अगर आप गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं तो अभी वो आपका बिल ही बढ़ाएगा और बर्तन धोते हुए मैंने कुछ लोगों को देखा है कि जी बस बर्तन धो रहे हैं या हाथ धो रहे हैं तो ऐसे ही टैब खुली छोड़ देते हैं इससे भी आप लोगों का बिल ज़्यादा आता है तो कोशिश किया करें जब अगर आप सिर्फ बर्तनों को सोप वगैरह लगा रहे हैं तो पानी बंद कर दिया करें पानी ज़ाया करना भी बहुत गलत बात होती है पानी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए और अगर आप गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं तो आप का डबल नुकसान होगा तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी अगर आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स आज की इस वीडियो में अच्छी लगी हैं तो मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है चैनल बनी हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग